स्वागत है जी तुहाडा अगिल स्मार्ट स्टडी दे विच। सो आपां पढ़िया सीगा वैदिक सभ्यता दे बारे। वैदिक सभ्यता तो ही आपां देखदे आ रहे हां गे की हुंदा गा, धार्मिक क्रांति आउणी शुरू हो जांदी है। सो उसे धार्मिक क्रांति दे विच प्रमुख तौर ते दो धर्म सामने आउंदे ने। सो उन्हां धर्मां दे विचों सब तो पहला आउंदा अपने कोल बुद्ध धर्म और फिर आउंदा अपने कोल जैन धर्म। सो बुद्ध धर्म दे बारे आपां पिछलियां दो क्लासां दे विच आलमोस्ट कवर कर चुके हां। सो अज आपां गल करांगे जैन धर्म बारे। सो जैन धर्म दे विच आपां 40 तो लैके 50 क्वेश्चन कवर करांगे जिहड़े कि आपां नूं बार बार पेपर दे विच पुछे जांदे नेगे और एज इट इज़ आपां नूं पेपर दे विच देखण नूं मिलदे नेगे। सो सब तो पहला आपां गल करदे हां जैन धर्म दे विच एक शब्द आउंदा गा जैन। सो जो जैन शब्द है इस दी उत्पत्ति किस तरह हुंदी हैगी। सो जो जैन शब्द की उत्पत्ति है जी वह हुंदी हैगी जिन शब्द तो, ठीक है। सो जो जिन शब्द हैगा यह शब्द किहड़ी भाषा का गा जेकर पूछा जाए यह हैगा जी अपने कोले संस्कृत भाषा का शब्द। सो जिन हैगा संस्कृत भाषा का शब्द और जेकर इसका मतलब पूछा जाए आपां नूं कि जिन का मतलब की हुंदा गा, जिन का मतलब हुंदा जी अपने कोल विजेता। सो विजेता की हैगा जिन का मतलब हुंदा गा जिहड़ा बंदा अपनिया, ठीक है, अपन आंदरिया उपर की कर लैंदा गा, विजय पा लैंदा गा, उसनू की आख्या जांदा गा जिन आख्या जांदा गा। और जैन धर्म के नाल जुड़ते कुछ, ठीक है, पॉइंट ने वो आप इस दे विच पहला कवर करने की कोशिश करांगे, फिर आप गल करांगे इन्हां दे संस्थापक की। सो जैन दे विच जो संस्थापक ने इन्हां नू की आख्या जांदा गा, जो जैन धर्म के संस्थापक होए ने इन्हां नू की आख्या जांदा गा, इन्हां नू आख्या जांदा जी तिरंथकार। तिरंथकार की ने गे जैन धर्म के संस्थापक ने, जिन्हें भी संस्थापक होए ने, इसे 24 संस्थापक होए ने जैन धर्म के, उन्होंने नाम कहदा दिता जाता गा तिरंथकार का। और जैन महात्मा, ठीक है, हुण गल हुई है जैन महात्मा, जैन महात्मा किन्हां नूं आख्या जाता गा जिन्हां ने, ठीक है, जैन दे विच जैन धर्म के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ की किया, वखरा किया, उन्होंने की कहा जाता गा, उन्होंने कहा जाता गा जी निरंथकार, निरंथकार नहीं सॉरी निरग्रंथ, उन्होंने आख्या जाता गा निरग्रंथ, ठीक है, निरग्रंथ उन्होंने जैन के जिन्हें भी महात्मा होए ने उन्होंने नाम दिता जाता है निरग्रंथ का। और जैन धर्म के कुल किन्ने तीर्थंकर होए ने, ठीक है, जैन धर्म के कुल किन्ने तीर्थंकर होए ने, वह होए ने जी अपने कोले कुल उन्हों की गिनती हैगी हैगी 24। सो जैन धर्म के कुल किन्ने तीर्थंकर होए ने 24 जैन धर्म के तिरंथकार होए ने। और पूछा जाता गा आपां पेपर दे विच कि सब तो पहला तिरंथकार जां जैन धर्म का संस्थापक कौन सीगा। सो जैन धर्म का संस्थापक जां पहला तिरंथकार हैगा सी अपने कोल ऋषभ देव। सो जेकर आपां डीपली क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋषभ देव का जन्म कित्थे होया, सो ऋषभ देव का जन्म होया सी जी अपने कोल अयोध्या दे विच और कैलाश पर्बत दे विच जाके इसने की कीता सी शरीर का त्याग कीता सीगा। हुण ऋषभ देव नूं, ठीक है, दो होर नामां नाल भी पुकारिया जाता गा और आपां नूं पेपर दे विच उलझा के पुछ भी लिया जाता गा। आपां नूं सीधा नहीं पूछा जाता कि पहले तिरंथकार जां संस्थापक कौन सीगे, आपां नूं नाम दे दिता जाता गा कि यह आदिनाथ होए ने जो वह पहले तिरंथकार सी, जां कोई अपने कोल ऑप्शन होर दे दित्तियां जांदियां ने। पर अपने कोल ऋषभ देव दे दो होर नाम प्रचलित ने, एक इन्हां नूं कहा जाता आदिनाथ और सैकड इन्हों कहा जाता ऋषभनाथ। सो इन दोवे नावों नाल की है ऋषभदेव नू की हैगा बुलाया जाता गा। और इस तरह ही आप अगे देखते हैं कि जो 22वें तिरंथकार होए ने, सो 22वें तिरंथकार कौन सीगे, 22वें तिरंथकार हैगे सी जी अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी और अपने कोल ऋषभदेव, इन्हों की इन्हों जो दो तिरंथकार होए ने, ठीक है, ये जो तिरंथकार सीगे एक पहला और एक 22वां, इन्हों का जो आपां नूं, ठीक है, इन्हों बारे जानकारी है वह कित्थों मिलती हैगी, वह आपां नूं मिलती है जी ऋग्वेद दे विचों। ये याद रखियो ऋषभदेव अते अपने कोले अरिस्टनेमी दे बारे, इन्हों दोनों बारे जो आपां नूं जानकारी प्राप्त हुई है वह कित्थों प्राप्त हुई है ऋग्वेद दे विचों। सो इस तरह ही अपने कोले, ठीक है, एक होर जो अपने कोले तिरंथकार ने उन्होंने बारे भी पूछा जाता पेपर दे विच। सो 23वां तिरंथकार होया जी पार्शवनाथ। पार्शवनाथ जिन्ह का जन्म कित्थे हुंदा गा, जिन्ह का जन्म हुंदा जी काशी वाराणसी दे विच, काशी वाराणसी वैशाली दे विच, ठीक है, सॉरी वैशाली नहीं, काशी वाराणसी दे विच की हुंदा इन्हां दा जन्म हुंदा गा। और इन्हां दे पिता दा कौन सीगे, इन्हां दे पिता हैगे सी जी असवसेन। असवसेन कौन सीगे, असवसेन सीगे काशी दे राजा,
काशी दे राजा होए ने आसुसेन। एडे वड्डे घर दे अंदर की है जन्म लैण दे बावजूद भी यह बंदा की हैगा, ठीक है, ये बंदा की बनता है, अंत एक सन्यासी बनता है राज भाग नूं छड्ड के। इस बंदे की खासियत यह सी कि इस दी जो सिक्ख्यावां होईयां ने उन्हां दे उपर ही पूरा जैन धर्म टिकिया होयागा। और इस तरह ही आपां सब तो वध जो पेपर दे विच पुछा जांदा उह पुछा जांदा है पार्शवनाथ बारे। सो पार्शवनाथ दे पिता दा नाम सीगा अश्वसेन। अश्वसेन कौन सीगा? अश्वसेन हैगा सी जी अपने कोले काशी दा राजा। और ज्ञान की प्राप्ति, यह बंदे नूं की हुंदा गा ज्ञान की प्राप्ति की करना चाहुंदा गा, यह ज्ञान की प्राप्ति कित्थे हुंदी है? यह हुंदी है समेद पर्बत ते। 30 साल की उम्र दे विच यह बंदा की कर दिंदा गा, की कर दिंदा, घर छड्ड दिंदा गा। और इहनूं ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है समेद पर्बत दे उपर जाकर, ठीक है। और की है अगे पूछा जाता गा कि जो पार्शवने की माता गा, पार्शवनाथ की माता का नाम की सीगा? पार्शवनाथ की माता का नाम सीगा बामा। और इहदी पत्नी की सी प्रभावती। सो जो इसके पहले अनुयायी बनते हैं वह कौन बनते हैं? इन्हां दी माता और इन्हां दी जो पत्नी सी, ठीक है, प्रभावती, वह की बनती है इहदी, इन्हां दी अनुयायी बनती हैगी पार्शवनाथ की। सो पार्शवनाथ ने मुख तौर पर 4 सिक्ख्यावां दित्तियां नेगियां जिन्हां दे उपर पूरा जैन धर्म टिकिया होया गा। और जैन धर्म के विच इन्हां, ठीक है, सिक्ख्यावां नूं की हैगा एक अलग स्थान दिता जांदा गा। और जिस दे जिहड़े कि मूल रूप दे विच की बनियां गईयां जैन धर्म दियां मूल सिक्ख्यावां बनियां नेगियां। सब तो पहला गल करदा जी इह सच दी, ये कहिंदा गा सिक्ख्यावां दे विच सानू की बोलना चाहिंदा है? सच बोलना चाहिंदा है। और सैकंड गल करदा अहिंसा दी, अहिंसा भाव सानू किसी नाल लड़ाई झगड़ा नहीं, भाव के प्यार नाल रहना चाहिंदा है। और अगे गल करदा है अस्तेय दी, अस्तेय तो भाव की हैगा चोरी ना करना। ये कहिंदा गा भी सानू अपने, ठीक है, मानव जीवन दे विच चोरी नू, ठीक है, नहीं करना चाहिए। और फोर्थ जो इहदी सिक्ख्या सी उह सी अपग्रह, अपग्रह तो भाव धन नू इकट्ठा ना करना। सो इसका मनना सीगा कि मनुख नू धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसनू अपने चंगे कारजों उपर किसी की हैल्प के उपर लगाना चाहिए गा। सो इसने ये 4 सिक्ख्यावां दित्तियां। पर इन्हां 4 सिक्ख्यावां तो बाद जो पंजवी सिक्ख्या जोड़ी गई उन्हूं नाम दिता गया जी पंजवां महाब्रत। पंजवां महाब्रत आख्या जाता गा। सो वह पंजवी सिक्ख्या कि वह सी जी ब्रह्माचारिया की, ब्रह्माचारिया की पंजवां महाब्रत जिन्हों कहा गया। और यह सिक्ख्या किने जोड़ी? ये सिक्ख्या जोड़ी जी अपने कोल महावीर ने, महावीर स्वामी ने। यह सीगा यह सिक्ख्या की सी जोड़ी सी इस दे विच। सो ठीक है, ये की हो गए पंज, की हो गए महाब्रत, हो गए जैन धर्म के सच, अहिंसा, अस्तय, अपग्रह और अपना ब्रह्माचारिया। सो इन्हां दे उपर की हैगा जैन धर्म टिकिया होयागा। और कोई भी जैनी है वह ये 4 सिक्ख्यावां दा की करदा, 5 सिक्ख्यावां दा की करदा गा, पालन करदा गा। सो इस तरह ही गल हुंदी है 24वें त्रिंतकार की, ठीक है। सो जेकर तुहानू जैन धर्म का, ठीक है, संस्थापक पूछा जाता वह है ऋषभदेव। और जेकर मूल संस्थापक की गल की जाए तो वह सीगा जी महावीर स्वामी। सो महावीर स्वामी नूं आपां थोड़ा जिहा बुद्ध नाल रिलेट करके पढ़न की कोशिश करांगे तां कि जो ये अपने वधिया याद रह सके। और पेपर दे विच आपां इस नूं बुद्ध धर्म और जैन धर्म दे विच कन्फ्यूज ना होइए। सो जो 24वें त्रिंतकार होए ने गे जैन धर्म दे, 24वें भाव के लास्ट त्रिंतकार होए ने, उन्हां दा नाम की सीगा? उन्हां दा नाम सीगा महावीर स्वामी। सो महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछा जाता गा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम की सीगा? वर्धमान। महावीर स्वामी भी की हैगा एक राजे दे घर जन्म लैंदा गा, पर अंत की हुंदा गा? उह उसदे राज भाग नूं लत मार के की बनदा गा? सन्यासी बनदा गा। 30 साल एक राज भाग दे सुख मानण दे बावजूद भी, ठीक है, ये बंदा की करदा गा? सन्यासपन, एक करड़ी की करदा गा, तपस्या दे वल अपने जीवन नूं लैके जांदा गा। सो इसदा जन्म होया सी जी 540 ईस्वी कुंड ग्राम जानी के वैशाली दे विच। वैशाली दा कुंड ग्राम भाव, ठीक है, गणतंत्र सीगा कुंड ग्राम। सो इत्थे जन्म हुंदा गा अपने कोले महावीर स्वामी दा। सो जेकर आपां बुद्ध दी गल करिए तां बुद्ध दा जन्म कदों होया सी? बुद्ध दा जन्म होया सी 563 BC लुंबड़ी नाम दे स्थान उपर, पर इत्थे इन्हां दा जन्म हुंदा गा 540 BC कुंड ग्राम दे विच। इस तरह आपां इन्हां नूं रिलेट करके पढ़न की कोशिश करांगे तां जो आपां कन्फ्यूज ना होईए। सो इन्हां दी मौत हुंदी है जी 468 BC दे विच पावापुरी दे विच। सो जदों इन्हां दी मौत हुई तां इन्हां दी मौत दे समय इन्हां दी उम्र किन्नी सी? इन्हां दी उम्र हैगी सी 72 साल।
72 साल के हो के की होंगे ने इन्हों की की होंगी है मौत होंगी हैगी और आप बुद्ध की मौत पढ़िया सी वह कदों होंगी हैगी होंगी हैगी 80 साल तक जाके ठीक है जो बुद्ध 80 साल के हो जाते हैं और इन्हों की माता का नाम की सीगा इन्हों की माता का नाम हैगा सी जी त्रिशला सो त्रिशला पूछा जाता गा ये किसकी भैन सी ये भैन हैगी सी जी चेटक की हुण चेटक कौन सीगा चेटक हैगा सी अपने कोल लिच्छवी का राजा लिच्छवी का राजा सी चेटक ठीक है और चेटक जो इसकी भैन सीगी वह माता कि बनती है जैन की बनती है महावीर स्वामी की बनती हैगी जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की सो इन दे पिता का नाम की सीगा पिता का नाम हैगा सी जी सिद्धार्थ सो सिद्धार्थ कौन सी पेपर के पूछा जाता गा महावीर स्वामी के पिता से सिद्धार्थ और इसका जो संबंध सी वह किस कुल नाल सीगा वह कुल हैगी सी जी गायत्रिक गायत्रिक कुल नाल ये की रखते सीगे संबंध रखते सीगे ये की सीगे ये भी एक महान राजा सीगे और इन्हां दी जो महावीर ठीक है स्वामी की पत्नी है उन उसकी पत्नी का नाम की सीगा जशोदा जशोदा सीगा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जेकर आप बुद्ध की पत्नी का नाम सीगा बुद्ध की पत्नी और महावीर अपने को स्वामी की पत्नी के हो जाने कन्फ्यूज हो जाने पर बुद्ध की जो पत्नी से उसका नाम सीगा जशोदरा जानी कि बड़ा नाम और जो अपने को महावीर की महावीर स्वामी की पत्नी का नाम सी वह सीगा जशोदा और उस तरह बुद्ध धर्म दे की सीगा एक पुत्र सीगा पर इत्थे की हुंदा गा जैन अपने कोले महावीर दे की हुंदी है एक पुत्री दे घर की हुंदी है एक पुत्री जन्म लैंदी है जिसका नाम की हुंदा गा अनुजा जानी कि प्रियदर्शनी भी इसनू आख्या जांदा गा सो 30 साल ये बंदा अपना ठीक है गृहस्थ जीवन पूरी चंगी तरह निभाउंदा गा ठीक है गृहस्थ दे विच रह के उस तो बाद ये अपने बड़े भाई तो ठीक है की लैके आग्या लैके की करदा गा आखिर नू संन्यासपन वल वधना शुरू करदा गा और 30 साल की उम्र दे विच ये बंदा की कर दिंदा गा घर छड्ड दिंदा गा सो इस दे जे आपां नू पेपर दे विच दमाद भी पुछा जांदा सो महावीर पुत्री कौन सी अनुजा और अनुजा दे पति कौन सीगे जमाली ठीक है सो महावीर स्वामी का जो दमाद सी उसका नाम की सीगा जमाली ये याद रखना तुसी ये पेपर दे विच पुछा जांदा गा और महावीर स्वामी 30 साल की उम्र विच की करदा गा ग्रह त्याग कर देंदा गा और जो ज्ञान की प्राप्ति होंदी है इनू वो ज्ञान की प्राप्ति कित्थे होंदी है वो होंदी है जी जांबिक ग्राम और जो दरख्त होंदा वो कहदा होंदा गा साल दा और जेकर नदी पूछी जावे कि महावीर स्वामी नू किस नदी दे ठीक है किनारे की है ज्ञान की प्राप्ति हुई सो वो नदी है जी रिजुपालिका और बुद्ध धर्म नू जो ज्ञान की प्राप्ति हुई सी वो कित्थे हुई सी वो सी निरंजना नदी सो ये दोनों नदियां ने तुसी नाम याद रखने नेगे और इसे तरह ही गल करदे आं और जो ज्ञान प्राप्ति तो बाद बुद्ध नूं की आख्या जांदा गा कवैल्या दा ना की दित्ती जांदी है संज्ञा दित्ती जांदी है नाम दित्ता जांदा गा हुण बुद्ध धर्म दे नाल जुड़े कुछ शब्द नेगे ठीक है जिन्हां बारे पेपर दे विच पुछा जांदा गा सो जिन तो की भाव हुंदा गा जिन तो भाव हैगा जी विजेता जिहड़ा बंदा अपनियां आंदरियां उपर की कर लैंदा विजय प्राप्त कर लैंदा है ठीक है उसनूं की आख्या जांदा गा जिन आख्या जांदा गा और अरहत दा मतलब की हुंदा है अरहत दा मतलब हुंदा है जी योगी ठीक है सो इस तरह ही आप गल करते हैं निरग्रंथ की निरग्रंथ तो की भाव है बंधन रहित सो जो पार्शवनाथ के अनुयायी सी उन्होंने की आख्या जाता सी निरग्रंथ आख्या जाता सीगा ये गल ध्यान दे विच रखियो सो उस तरह ही आप गल करते हैं कि महावीर स्वामी हैगा जो वो अपना प्रथम उपदेश कित्थे जाके दिंदा गा महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश दिंदा जी राजग्रह दे विच सो राजग्रह राजधानी सी आपां महाजनपद दे विच पढ़िया सी किहदी राजग्रह सी राजधानी किहदी सी इह राजधानी हैगी सी जी मगध दी ठीक है सो उसे तरह ही आपां प्रथम चेले दी गल करदे आं सो जो बुद्ध दा ठीक है प्रथम चेला होया गा वह इसका दामाद होया गा जमाली जानी कि अपने को प्रियदर्शनी का पति इसका की होया गा प्रथम चेला होया गा और जैन धर्म के गल की गई है 3 रत्ना की जिसनों की आख्या जाता गा त्रिरत्न सो इन्ह त्रिरत्न आप बुद्ध के भी त्रिरत्न पढ़िया सी पर इतने भी अपने को त्रिरत्न है सो सब तो पहला हुई है सम्यक दर्शन तो की भाव है सब तो पहला त्रिरत्न इन्ह का सम्यक दर्शन तो भाव हैगा गा अपने कोले सच दा ज्ञान सो उस तरह ही सम्यक ज्ञान तो भाव जो आप बंदे नूं की होना चाहिए वास्तविक ज्ञान होना जरूरी है और नैक्सट गल करता है सम्यक आचरण की भाव के बंदा
हरेक दुख सुख दे विच अपना जिहड़ा ठीक है बिहेवियर है वह की रख रखता गा समान रखता गा वह आता गा सम्यक आचरण दे विच। सो इस तरह ही आप गल करते हैं पंजवें महाभारत के जो सब तो ज़्यादा महत्व दिता गया वह किसू दिता गया वह इन्हों के किड़ी सिक्ख्या दिता गया वह दिता गया जी अपने को अहिंसा अहिंसा सब तो ज़्यादा महत्व की दिता गया गा पंजवें महाभारत के दिता गया पंजवा महाभारत कि ब्रह्मचारी आ। सो नैक्सट गल करते हैं आप कि आत्मा पुनर्जन्म मोक्ष और वर्ण व्यवस्था इन्हां चारां पंजां दे विच की सीगा महावीर स्वामी का विश्वास हैगा सी। पेपर दे विच पुछा जांदा गा कि महावीर स्वामी की पुनर्जन्म विच विश्वास रखदे सी जां उन्हां दा विश्वास वर्ण व्यवस्था विच हैगा सीगा। हाँ जी बिल्कुल आत्म पुनर्जन्म मोक्ष वर्ण व्यवस्था इन्हां दे विच महावीर स्वामी का की सीगा विश्वास हैगा सीगा इन्हां नूं उह मंनदे सीगे। सो इसे तरह ही गल पेपर दे विच एक क्वेश्चन होर पूछा जाता गा कि स्यामवाद और अनेकतावाद का संबंध किस धर्म नाल हैगा। आपां नूं धर्म दे दित्ते जाणगे ठीक है बुद्ध धर्म देता जिवें कि पर इसका जो संबंध हैगा वह किस नाल हैगा जैन धर्म नाल। हुण स्यामवाद और अनेकतावाद तों की भाव है इसका मतलब की हैगा। स्यामवाद आपां पढ़िया होणा गे दो तरह के बंदे होंदे ने है ना एक होंदे ने नास्तिक होंदे ने एक होंदे ने आस्तिक। नास्तिक कहड़े होंदे ने जिहड़े कि रब ईश्वर दे विच की है विश्वास नहीं करते ठीक है और आस्तिक कहड़े होंगे ने जिहड़े ईश्वर के विश्वास करते हैं गे। सो जो अपना जैन धर्म सीगा ये की सीगा ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म कि कैटेगरी के आता गा यह कैटेगरी आता जी नास्तिक दे। सो जो स्यामवाद और अनेकतावाद का संबंध है गा सो जो नास्तिक और आस्तिक के बिचली कड़ी है ठीक है जिहड़ा बंदा आस्तिक भी है और नास्तिक भी है उसनू नाम दिता जाता है स्यामवाद और अनेकतावाद का। सो इसका संबंध किस नाल हैगा जैन धर्म नाल। सो इस तरह ही जो जैनी दे एक प्रमुख लक्षण ने गे वह की होंगे ने गे ठीक है वह आप देखते हैं। सो जैनी ने जिहड़े वह की खाते हैं शुद्ध भोजन खाते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन वस्त्रहीन बदन और निर्मल बाणी की पहचान। सो ये चार पांच गल्लां की ने गियां एक जैनी दियां की ने गी है पहचान हैगी। महावीर स्वामी नाल भी कुछ इस तरह का होया सीगा कि महावीर स्वामी जो ज्ञान की प्राप्ति लिए अपना घर छड़ते हैं तो उन्होंने तन उपर जोड़े कपड़े सके ठीक है उ रेंदे ने हौली हौली घस के की जाते हैं पाड़ जाते हैं और महावीर स्वामी नगन अवस्था के करते हैं जन्म धर्म का प्रचार करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं गे। सो इस तरह ही आप अगे पढ़ा कि जो जैन धर्म है महावीर की मौत तो बाद ठीक है वह दो भागों के वंडिया जाता गा और इस तरह ही आप गल करा उन्होंने दोनों भागों तो बाद जो जैन दे विच साहित होया है जैन साहित हैगा वह केड़ा गा जिथों पेपर दे विच क्वेश्चन बनते हैं गे। सो ये अपना अज की क्लास जिस दे विच आपां जैन धर्म के बारे कुछ मुख्य गल्लां बारे जाणिया और इतों अपने 20 तो लैके 22 तक क्वेश्चन की होंगे ने कवर होंगे ने गे। सो अगे आप नैक्सट क्लास के गल करांगे अपने को स्वतंबर और दिगंबर की और जैन साहित्य। सो अज की क्लास के लिए इन्ना ही धन्यवाद गिल स्मार्ट स्टडी के नाल जुड़े रहने लिए।